हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज विद नामदेव में। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो आपके 14 अगस्त का जो थर्ड शिफ्ट लास्ट शिफ्ट में उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो अपन इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो आरआरबी की जो 14 अगस्त की जो लास्ट थर्ड शिफ्ट है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहले आप ब्रोन्स जो इम्बेरियो कहते हैं जिसको, वो तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इस थर्ड शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन था एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन ब्रोन्स जो इम्बेरियो बोलते हैं उसको, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा प्रेशर्स की यूनिट पूछी गई थी वो होती है पास्कल। इसके अलावा जो ग्रामोफोन है उसका डिस्कवर कौन, किसने खोज की थी, तो वो थॉमस एडिसन है। इसके अलावा जो इनोड गैस है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ रहा है इनोड गैस का, इसका आंसर पता नहीं है। अगर आपको पता हो तो कमेंट में कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर मिल जाएगा तो। तो इनोड गैस जो पीरियोडिक टेबल से उससे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा कैन नॉट बी कट बाय निफ, जो चाकू से नहीं काटी जा सकती, ऐसी कौन सी धातु है, तो वो सिंपल सा एल्यूमिनियम है। चारों ऑप्शन में से आपको एल्यूमिनियम आंसर देना था। इसके अलावा ओम्स जो का फॉर्मूला होता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके अलावा जो एम्फीबियन बोलता है उभयचर, उससे रिलेटेड पार्ट प्लांट को क्या कहता है, तो वो ब्रायोफाइट कहता है उसको, ठीक है। तो इसमें जो उभयचर प्लांट होता है वो ब्रायोफाइट कैटेगरी के होते हैं। और न्यूटन की जो थर्ड और सेकंड लॉ है उससे तो क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा थर्ड शिफ्ट में अब जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उससे क्वेश्चन आया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड भी है थर्ड शिफ्ट में पूछ लिया गया। इसके अलावा डायनामाइट के जो आविष्कार किसने किया था, तो एल्फेंट्री नोबेल, जिस वैज्ञानिक के ऊपर जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, एल्फेंट नोबेल नोबेल है, और उन्होंने जो डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसके अलावा तीनों शिफ्ट में 1/2 mv² जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया। इसके अलावा थर्ड जो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स, वो कौन सा होता है, तो इससे रिलेटेड पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन था। इसका भी एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वरना मेरे को जब भी रिसीव होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। और इसके अलावा जो डिस्टेंस दे रखा था 0 और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था, तो अब सीधी सी चीज है, इसमें दूरी आपको 0 दे रखी है तो उसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता होगा, 0 होगा, क्योंकि उसने कोई दूरी तय की नहीं है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। इसके अलावा जो फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जो पिता कहे जाने वाले हैं, वो कौन से है, वो थियोफेस्टस है। इसके अलावा प्रोपेन का फॉर्मूला पूछा था जो सिंपल सा C3H8 है, इसका प्रोपेन का फॉर्मूला, ठीक है। इसके अलावा जो मैथ्स के अभी तक क्वेश्चन रिसीव हुआ है वो आपके मेंसुरेशन जो 3D डायग्राम्स होते हैं उससे रिलेटेड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसका फॉर्मूला होता है आपके सिलेंडर का 2πRh, और जिसमें रेडियस 14 दे रखी थी और हाइट दे रखी थी 20, तो सिलेंडर से पूछा गया था क्वेश्चन जिसका फॉर्मूला था 2πRh। इसके अलावा रेशियो से पूछा गया था सिक्कों के ऊपर, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं और उनका रेशियो है 4:3:1, और आपको टोटल अमाउंट दे रखा था 145, और उसके बाद पूछा था आपको 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आएगा 5 रुपये वाले सिक्के 15 सिक्के आएंगे, 15 कॉइन्स, ठीक है। इसके अलावा एलसीएम पूछा 90 और 60 का, जो 180 होता है, और जो पिछले शिफ्ट था उसमें भी एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसके अलावा SICA, इससे रिलेटेड शायद क्वेश्चन था, पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन CA या SI से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो एशिया का कप मतलब किसने जीता या कहाँ पे हुआ था, ये चीज पूछी गई थी, एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है। तो एशिया का कप जो है इंडिया ने जीता था और वो बांग्लादेश में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा PV सिंधु का कोच कौन है, तो फूलेला गोपीचंद फेमस है, जो PV सिंधु के कोच है, ठीक है। इसके अलावा जो इंडिया के सॉलिसिटर जनरल है रणजीत सिंह है, और 2017 तक थे, तो रणजीत सिंह इसका आंसर होगा। इसके अलावा जो दंगल मूवी के किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो जो महावीर पोगट उसके ऊपर बेस्ड है दंगल मूवी, और कैलाश सत्यार्थी
जो शांति के क्षेत्र में जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और मदर टेरेसा के पास दूसरे ही ऐसे व्यक्ति है जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार शांति के रूप में दिया था, वो कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं? तो वो विदिशा, मध्य प्रदेश के अंदर विदिशा है, वहां से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इंडिया में कहाँ पे आई थी? तो जो बिजनेस समिट हुई थी हैदराबाद में, वहां पे आई थी, ठीक है। इसके अलावा डेल के सीईओ पूछा था, जो माइकल सीईओ है उसके, इसके अलावा अमेजन के सीईओ है जेट बिजोस बिजोस्टक बिजोस्ट। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के है सत्या नंडेला। ये मतलब इस, ये तो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन ये शायद फर्स्ट या सेकंड में पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश की करेंसी है टका, और ये पूछी गई थी। और रिवर रिलेटेड टू एमपी, एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है, लेकिन जो मध्य प्रदेश की कोई नदी है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। और एक हेलीटैक्सी के ऊपर, अभी न्यूज में और जो न्यूज़पेपर और जो टीवी पे न्यूज है बहुत चली थी, हेलीटैक्सी जो है बांग्लादेश में, सॉरी बेंगलोर के अंदर जो एयरपोर्ट है वहां पे शुरू की गई थी हेलीटैक्सी। और देश का पहला खादी मॉल ये भी फेमस हुआ था, वो है आपके झारखंड में। और कौन सी लॉयर है जो सीधी जज बनी? मतलब मोस्ट क्वेश्चन था और ये आया था, ये अभी पूछा है थर्ड शिफ्ट में, इंदु मल्होत्रा, जो सीधे जो लॉयर है उससे सीधी जज बनी है, ठीक है। और ग्लोबल गैप इंडेक्स पूछी गई थी आपके रैंकिंग, तो इंडिया की रैंकिंग है उसमें 108, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पूछा गया था ऑस्कर का बेस्ट एक्टर कौन है, तो वो आपके गैरी ओल्ट मैन, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपडेट रहने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।